अभी हम पढ़ने वाले हैं आयनाइजेशन एंथैल्पी के बारे में। तो आयनाइजेशन एंथैल्पी क्या होती है हमारी? आयनाइजेशन एंथैल्पी का मतलब होता है, देखो, आयनाइजेशन मतलब कि आयन्स बनाने के लिए जो एंथैल्पी यानी कि हमें हीट चाहिए। एंथैल्पी एंथैल्पी का मतलब होता है हीट यानी कि एनर्जी, और आयनाइजेशन का मतलब होता है किसी के आयन्स बनाने के लिए। देखो, अगर कोई भी आपका सब्सटेंस है, मतलब कि यहाँ हम किसकी बात करेंगे, एटम्स की, तो यानी कोई भी एटम अगर आपका इलेक्ट्रॉन को लूज करता है या फिर गेन करता है तो उसके आयन्स बनते हैं, और उसी से रिलेटेड है हमारी आयनाइजेशन एंथैल्पी। देखो, आयनाइजेशन एंथैल्पी की डेफिनेशन क्या होती है? द अमाउंट ऑफ एनर्जी रिक्वायर्ड टू रिमूव एन इलेक्ट्रॉन द अमाउंट ऑफ एनर्जी रिक्वायर्ड टू रिमूव एन इलेक्ट्रॉन फ्रॉम द आउटर मोस्ट शेल ऑफ अ गैशियस एटम। यानी जब भी आप आयनाइजेशन एंथैल्पी निकालोगे तो आपका एटम गैशियस स्टेज के अंदर होना चाहिए, यानी उस एटम की कैसी स्टेट होनी चाहिए, गैशियस स्टेट, ठीक है। टू कन्वर्ट इट इंटू अ गैशियस कैटायन, अब आपके पास में आयनाइजेशन एंथैल्पी का मतलब होता है कि आपको इलेक्ट्रॉन को रिमूव कराना है, और जब भी कोई इलेक्ट्रॉन रिमूव होता है तो क्या बनता है आपके पास में, कैटायन बनता है। तो आयनाइजेशन एंथैल्पी किस चीज से रिलेटेड है, कैटायन से। आप आगे इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी पढ़ोगे, वो होती है एनायन से रिलेटेड, उसमें इलेक्ट्रॉन आप गेन करते हो, और आयनाइजेशन एंथैल्पी के अंदर जो एटम है वो इलेक्ट्रॉन को लूज करता है ताकि वो क्या बना सके, कैटायन, ठीक है। तो आयनाइजेशन एंथैल्पी क्या होती है, द अमाउंट ऑफ एनर्जी रिक्वायर्ड टू रिमूव एन इलेक्ट्रॉन फ्रॉम द आउटर मोस्ट शेल ऑफ अ गैशियस एटम टू कन्वर्ट इट इनटू अ गैशियस कैटायन, ठीक है। अब हम पढ़ेंगे कि कौन कौन से फैक्टर्स हैं जो आयनाइजेशन एंथैल्पी को डिफाइन करते हैं, जिनके ऊपर आयनाइजेशन एंथैल्पी डिपेंड करती है। तो देखो, पहला फैक्टर है न्यूक्लियर चार्ज। न्यूक्लियर चार्ज से ऐसे समझो, आयनाइजेशन एंथैल्पी मतलब आपको इलेक्ट्रॉन को रिमूव कराना है आउटर मोस्ट शेल से। अब देखो, अगर किसी एटम का साइज छोटा है तो इसका मतलब क्या है कि जो न्यूक्लियस होगा उसके बिल्कुल पास में इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट होंगे। ये हम बात मान के चलते हैं ना, कि मान लिया कि अगर आपके पास में एटम का साइज छोटा है तो इसका मतलब क्या है कि इलेक्ट्रॉन न्यूक्लियस के काफी ज्यादा पास में है। जैसे जैसे एटम का साइज बढ़ता है तो इलेक्ट्रॉन का डिस्टेंस, किस कौन से वाले इलेक्ट्रॉन का, आउटर मोस्ट शेल वाले इलेक्ट्रॉन का डिस्टेंस क्या करता है, न्यूक्लियस से बढ़ता है। मतलब एक तो फर्स्ट शेल के अंदर इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट हो, और एक क्या हो, आपके पास में तीन शेल है और यहाँ पर तीसरी शेल के अंदर इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट हो, तो यहाँ वाला जो इलेक्ट्रॉन है वो न्यूक्लियस के ज्यादा पास है, और यहाँ वाला जो इलेक्ट्रॉन है आपके पास में न्यूक्लियस से दूर है। जितनी ज्यादा न्यूक्लियस से दूर इलेक्ट्रॉन जाता है उतना ही ज्यादा न्यूक्लियर चार्ज का अफेक्ट उस पर हो जाता है कम, ठीक है। अब मान लिया एक शैतान बच्चा है, टीचर के पास बैठा होगा तो शांति से बैठेगा, अगर वो टीचर से जितनी ज्यादा दूर होगा उतनी ज्यादा वो शैतानी करेगा। मतलब कि उसका एक, देखो, एक ना क्लास बंक करनी है, एक तो बैठा है बच्चा लास्ट बेंच पे, एक बैठा है फर्स्ट बेंच पे, तो लास्ट बेंच वाला जल्दी बंक करके भाग जाएगा ना क्लास, जबकि फर्स्ट बेंच वाला इतनी जल्दी जा नहीं सकता। तो कुछ ऐसे ही समझ लो कि जैसे जैसे न्यूक्लियस से डिस्टेंस बढ़ता है इलेक्ट्रॉन का, उतना ही न्यूक्लियर चार्ज का अफेक्ट उसके ऊपर क्या हो जाता है, कम। और न्यूक्लियर चार्ज का क्या काम होता है, इलेक्ट्रॉन्स को बांध के रखना, ठीक है। तो आयनाइजेशन एंथैल्पी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होती है न्यूक्लियर चार्ज के। जितना ज्यादा आपके एटम, जो आउटर मोस्ट इलेक्ट्रॉन होगा, न्यूक्लियस के पास होगा, तो उतनी ही ज्यादा एनर्जी हमें सप्लाई करनी पड़ेगी उस इलेक्ट्रॉन को वहां से रिमूव करने के लिए। क्योंकि न्यूक्लियस क्या करेगा, न्यूक्लियस के अंदर न्यूक्लियर चार्ज, हम बोलेंगे कि न्यूक्लियस के अंदर क्या होता है, एक प्रॉपर्टी होती है न्यूक्लियस की, न्यूक्लियर चार्ज, जिसकी वजह से वो अपने आस पास वाले इलेक्ट्रॉन्स को बांध के रखता है, यानी उनको अट्रैक्ट करके रखता है अपने पास में, ठीक है। तो जितना ज्यादा न्यूक्लियस के पास में होगा इलेक्ट्रॉन, उतनी ही ज्यादा हमें एनर्जी सप्लाई करनी पड़ेगी उसको वहां से रिमूव करने के लिए, जबकि जैसे जैसे हम दूर जाते हैं उस न्यूक्लियर चार्ज का इफेक्ट कम होता जाता है। तो ये हो गया फर्स्ट फैक्टर। उसके बाद में है साइज। साइज इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू न्यूक्लियर चार्ज। अभी मैंने बताया जितना ज्यादा साइज बढ़ेगा तो न्यूक्लियर चार्ज का इफेक्ट क्या होता चला जाएगा, कम होता चला जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट है सबशेल। इस वाले को ध्यान से समझना। हम ये पढ़ते हैं कि चार सबशेल हम पढ़ते हैं, एस पी डी एंड एफ, चार सबशेल हम पढ़ते हैं। अब इन सबशेल का अगर मैं साइज देखूं, तो देखो अगर मैं साइज का ऑर्डर
ऑर्डर, तो सबसे बड़ा साइज होता है एफ सबशेल का, उससे छोटा डी का, उससे छोटा पी का, और उससे छोटा होता है एस का। यानी एस सबशेल सबसे छोटे साइज की होती है, पी उससे बड़े साइज की होती है, डी उससे बड़े साइज की होती है, और एफ क्या होती है, एफ का साइज सबसे ज्यादा बड़ा होता है। ठीक है, तो आप अपना कंसेप्ट लगा के देखो कि एफ का अगर साइज सबसे बड़ा है तो उसकी आयनाइजेशन एंथैल्पी उतनी ही कम होगी, क्योंकि जितना ज्यादा आपका साइज बढ़ेगा आयनाइजेशन एंथैल्पी क्या करेगी, आपकी घटेगी, क्योंकि साइज बढ़ने के बाद में इलेक्ट्रॉन को रिमूव करना क्या हो जाता है, आसान हो जाता है। ठीक है, तो यानी कि साइज का ऑर्डर अगर ये है आपके पास में कि एस सबसे छोटा, पी उससे बड़ा, डी उससे बड़ा, और एफ उससे बड़ा, तो आयनाइजेशन एंथैल्पी का ऑर्डर हो जाएगा उल्टा। अगर एस सबशेल का साइज सबसे छोटा है तो आपके पास एस सबशेल से इलेक्ट्रॉन को निकालने के लिए आपको सबसे ज्यादा एनर्जी प्रोवाइड करनी पड़ेगी, यानी कि आपको सबसे ज्यादा आयनाइजेशन एंथैल्पी किसकी आएगी, अगर आप एस सबशेल से इलेक्ट्रॉन निकाल रही हो। लेकिन एक चीज यहाँ पर मैंने ये लिखा हुआ है, सेम शेल के अंदर होने चाहिए लेकिन चारों के चारों, मतलब इस तरीके से समझो कि अगर आपका 4s है, 4p है, 4d है, और आपके पास में 4f है, तो देखो सबके सब सेम शेल के अंदर है, चारों के चारों फोर्थ शेल के अंदर है, तब हम इनके अंदर कंपेयर कर सकते हैं। अगर मान लिया एक 3s है, एक 4p है, एक 5d है, अगर अलग अलग सबसे आपके अलग अलग शेल से हैं, तो हम इस वाले कॉन्सेप्ट को यहाँ पर नहीं लगा सकते। ठीक है, तो अगर सेम शेल के अंदर आपके इलेक्ट्रॉन्स होते हैं तो अगर इनमें हमें कंपेयर करना पड़े तो सबसे ज्यादा हमें आयनाइजेशन एंथैल्पी किसके अंदर लगेगी, सबसे ज्यादा आयनाइजेशन एंथैल्पी आएगी इस 4s वाले की, फिर 4p वाले की, फिर 4d वाले की, फिर 4f वाले की। ये आपके अलग अलग चेंज होते रहते हैं। ठीक है, हमारे पास में हो सकता है यहाँ पे 3 वाला दे रखा हो, 2 वाला दे रखा हो, वो डिपेंड करता है। ठीक है, जैसे अगर आप 3s, 3p और 3d में से कंपेयर करो तो 3s तो होता ही नहीं है, तो सबसे ज्यादा आयनाइजेशन एंथैल्पी आएगी 3s की, फिर 3p की, और फिर 3d की। सेम शेल के अंदर ही हम कंपेयर करते हैं तो सबसे ज्यादा आयनाइजेशन एंथैल्पी किसकी आएगी, आपकी s वाले की आएगी, उसके बाद p की, फिर d की, और फिर f की। क्यों रीजन है, क्योंकि s का साइज सबसे ज्यादा छोटा होता है। ठीक है, हमारे पास में नेक्स्ट है शील्डिंग एंड स्क्रीनिंग इफेक्ट। शील्डिंग इफेक्ट का मतलब क्या होता है कि जब आपके पास में बाहर से कोई इलेक्ट्रॉन आ रहा है तो क्या करते हैं, अंदर वाले जो इलेक्ट्रॉन्स हैं उसको आने से रोकते हैं। मान लिया कि क्या है, न्यूक्लियस के चारों तरफ इलेक्ट्रॉन्स हैं, अब बाहर से आप और इलेक्ट्रॉन्स के अंदर ऐड कर रहे हो, तो जो अंदर वाले इलेक्ट्रॉन होंगे उस आने वाले इलेक्ट्रॉन को क्या करेंगे, अपोज करेंगे कि भाई तू मत आ यहाँ पर, क्योंकि इलेक्ट्रॉन्स के ऊपर खुद के ऊपर नेगेटिव चार्ज, एक नेगेटिव चार्ज वाला और आ रहा है, तो उनके बीच में क्या होगी, रिपल्शन होगी। उसी फोर्स को हम क्या बोलते हैं, उसी इफेक्ट को शील्डिंग या फिर स्क्रीनिंग इफेक्ट बोला जाता है। अब मान लिया कि आपके पास में क्या है कि ऑलरेडी एक एक्स्ट्रा इलेक्ट्रॉन है, मान लिया कि आपके पास में कोई ओ नेगेटिव है आपके पास में, ठीक है, और एक मान लिया आपके पास में ओ टू नेगेटिव, या ओ नेगेटिव से समझो, एक ओ है और एक क्या है आपके पास में, ओ नेगेटिव एनायन है, तो हमें पता है कि इस ओ नेगेटिव का मतलब है कि एक्स्ट्रा इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट है। तो अगर आपको आयनाइजेशन एंथैल्पी पूछी जाए कि किसकी ज्यादा आएगी, तो इस ऑक्सीजन की ज्यादा होगी आयनाइजेशन एंथैल्पी ओ नेगेटिव से। क्यों, क्योंकि ओ नेगेटिव के अंदर एक एक्स्ट्रा इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट है, और उस अपकमिंग इलेक्ट्रॉन को जो अंदर इलेक्ट्रॉन पहले से प्रेजेंट है उसको क्या करेंगे, शील्ड करेंगे कि तू यहां से हट जा। अगर वो ऑलरेडी उसको धक्का लगा रहे कि भाई तू निकल यहां से, तो क्या होगा, हम थोड़ी सी एनर्जी सप्लाई करेंगे और वो इलेक्ट्रॉन को लूज कर देगा। यानी कि आयनाइजेशन एंथैल्पी एनायन की क्या होती है, कम होती है। ठीक है, यहां तक की बात अपने पास में, तो ये चीज क्लियर होगी हमारे पास में कि हमारे पास में शील्डिंग इफेक्ट क्या करता है। देखो इन्होंने लिखा भी हुआ है, मोर शील्डिंग इफेक्ट लेस अट्रैक्शन बिटवीन न्यूक्लियस एंड इलेक्ट्रॉन। जितना ज्यादा शील्डिंग इफेक्ट होगा उतना ही ज्यादा न्यूक्लियस और इलेक्ट्रॉन के बीच में अट्रैक्शन कम होगी, क्योंकि वो अपोज करेंगे खुद ही। ठीक है, तो आयनाइजेशन एंथैल्पी क्या कर जाती है, डिक्रीज कर जाती है। ठीक है, तो यानी कि शील्डिंग इफेक्ट की वजह से आयनाइजेशन एंथैल्पी डिक्रीज कर जाती है, मतलब हमें कम एनर्जी सप्लाई करनी पड़ती है इलेक्ट्रॉन को रिमूव करने के लिए। ठीक है, हमारे पास में नेक्स्ट है स्टेबल इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन। तो जितनी ज्यादा स्टेबल इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन होती है उतनी ही ज्यादा क्या होती है, आयनाइजेशन एंथैल्पी। इस चीज को बताऊंगी कैसे। आगे है जनरल ट्रेंड इन द आयनाइजेशन एंथैल्पी, उसी वाले कॉन्सेप्ट से ये समझाऊंगी कैसे है स्टेबल इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन का।
तो पहला है कि अगर हम लेफ्ट टू राइट जाएं, मैं इसको रफ कर देती हूँ यहाँ से, लेफ्ट टू राइट अगर हम किसी पीरियोडिक टेबल के अंदर मूव करते हैं तो हमारे पास में आयनाइजेशन एंथैल्पी बढ़ती है। क्यों? क्योंकि इसका रीजन ये होता है, मान लिया इस क्या होता है, क्योंकि सेम शेल के अंदर क्या होता है, हमारे पास में इलेक्ट्रॉन्स का नंबर इंक्रीज करता है सेम शेल के अंदर ही, और सेम शेल के अंदर जैसे जैसे इलेक्ट्रॉन का नंबर बढ़ता है तो उसका साइज क्या करता है, इनडायरेक्टली आपका घटता है, क्योंकि न्यूक्लियस उनको क्या करेगा, और ज्यादा टाइटली होल्ड करके रखेगा, ठीक है हमारे पास में। और देखो अगर साइज घट रहा है यानी न्यूक्लियस के पास में आ जाएंगे इलेक्ट्रॉन्स, तो हमें ज्यादा एनर्जी सप्लाई करनी पड़ेगी उन इलेक्ट्रॉन्स को वहां से रिमूव करने के लिए, ठीक है। इसीलिए क्या होता है, लेफ्ट टू राइट आपकी आयनाइजेशन एंथैल्पी क्या करती है, इंक्रीज करती है। लेफ्ट टू राइट को ही हम अलोंग द पीरियड भी बोलते हैं, ठीक है। अब इसके अंदर कुछ एक्सेप्शन आती है, जैसे इन्होंने दे रखा है यहाँ पर हमको कि इन्होंने एक सीरीज दी कि अगर हम बात करें लिथियम, लिथियम से ज्यादा आयनाइजेशन एंथैल्पी होती है बेरिलियम की, लेकिन बोरोन की बेरिलियम से कम होती है, एक एक्सेप्शन यहाँ पर आई। उसके बाद बोरोन से ज्यादा होती है कार्बन की, फिर नाइट्रोजन की, फिर ऑक्सीजन की, और फिर फ्लोरीन की। अब देखो ये इस तरीके से एलिमेंट्स अरेंज होते हैं, लिथियम बेरिलियम, लिथियम बेरिलियम बोरोन कार्बन, लिथियम बेरिलियम बोरोन कार्बन नाइट्रोजन ऑक्सीजन एंड फ्लोरीन। इस वाली साइड जब हम इस तरीके से मूव करते हैं अलोंग द पीरियड, तो साइज क्या करना चाहिए था, साइज करना चाहिए था डिक्रीज, साइज डिक्रीज ही करता है। लेकिन फिर ये आयनाइजेशन एंथैल्पी में चेंज क्यों आया, तो इसका रीजन ये है कि अगर हम बेरिलियम का देखें तो बेरिलियम का एटॉमिक नंबर होता है 4, जबकि बोरोन का एटॉमिक नंबर होता है 5। बेरिलियम की इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन लिखे तो ये होता है 1s2 एंड 2s2, जबकि मैं बोरोन की लिखूं तो इसका होता है 1s2 2s2 एंड 2p1, ठीक है। अब यहाँ पर देखिए तो बेरिलियम के अंदर जो आपके पास में 2s ऑर्बिटल, 2s आपके पास में है, 2s ऑर्बिटल के अंदर क्या है, ऑलरेडी ही 2 इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट है और मैक्सिमम 2 इलेक्ट्रॉन ही आते हैं इसके अंदर, तो ये क्या, इसकी स्टेबल इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन है। जबकि अगर मैं बोरोन की देखूं तो यहाँ पर पी, जो पी ऑर्बिटल है आपका, इसके अंदर सिर्फ एक ही इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट है आपके पास में, ठीक है। तो ये एक इलेक्ट्रॉन रखने की बजाय ये कोशिश करेगा कि मैं इस इलेक्ट्रॉन को दे दूं, आसानी से दे देगा, क्योंकि उसे एक ही देना है। और यही रीजन होता है कि आयनाइजेशन एंथैल्पी बेरिलियम की तो ज्यादा होती है और बोरोन की कम होती है। रीजन क्या होता है, स्टेबल इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन, स्टेबल इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन क्या होता है, इस चीज का रीजन होता है हमारे पास में, ठीक है। उसके बाद अगर हम ट्रेंड के हिसाब से देखें तो आगे हम देखते हैं यहाँ पर कि ठीक है भाई, साइज घट रहा था हिसाब से हमारे पास में, भाई बोरोन से ज्यादा कार्बन की होनी चाहिए थी, कार्बन से ज्यादा नाइट्रोजन, नाइट्रोजन से ज्यादा ऑक्सीजन, और ऑक्सीजन से ज्यादा फ्लोरीन की, ऐसी होनी चाहिए थी। लेकिन क्या होता है यहाँ पर हमारे पास में, यहाँ पर हम देखते हैं कि ऑक्सीजन से ज्यादा आयनाइजेशन एंथैल्पी होती है नाइट्रोजन की। अब इसका रीजन क्या है हमारे पास में, इसका रीजन ये है कि देखो नाइट्रोजन का एटॉमिक नंबर होता है 7 और ऑक्सीजन का 8। नाइट्रोजन की इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन लिखूं तो ये आती है 1s2 2s2 एंड 2p3, और ऑक्सीजन की लिखूं तो ये होती है 1s2 2s2 एंड 2p4। अब इसमें क्या होता है, जो हाफ फिल्ड हमारे पास में p ऑर्बिटल होता है, हाफ फिल्ड p सबशेल होती है, वो ज्यादा स्टेबल होती है। अब मैं कभी मैंने सबशेल बोला, कभी ऑर्बिटल बोला, मतलब जो हमारे पास में s p d एंड f होते हैं, ये हमारे पास में सबशेल होती हैं।
और इन सब शेल के अंदर क्या प्रेजेंट होते हैं, ऑर्बिटल्स प्रेजेंट होते हैं हमारे पास में। जैसे एस सब शेल के अंदर तो एक ही ऑर्बिटल होता है, इसलिए उसको कई बार ऑर्बिटल बोल देते हैं। पी सब शेल के अंदर अगर हम बात करें तो पी सब शेल के अंदर हमारे पास में 3 ऑर्बिटल्स होते हैं, ठीक है। खैर वो अलग कॉन्सेप्ट चला जाता है। अब देखो, ठीक है, यानी कि अगर पी के अंदर 3 ऑर्बिटल होते हैं तो हम इस तरीके से पी और पी सब शेल को रिप्रेजेंट करते हैं। अब यहां हम देखें तो 3 इलेक्ट्रॉन्स हैं और यहां पर हम रीजन देते हैं कि नाइट्रोजन के अंदर हाफ फिल्ड आपके पास में अगर कोई ऑर्बिटल है, हाफ फिल्ड सब शेल है, या फिर फुली फिल्ड जो सब शेल है, तो वो क्या होते हैं, ज्यादा स्टेबल होते हैं। तो यहां पर आप कहीं पर आपको हाफ फिल्ड ऑर्बिटल भी लिखा मिल सकता है, हाफ फिल्ड सब शेल भी लिखा मिल सकता है। अब हमें पता है दोनों में फर्क क्या होता है, तो हाफ फिल्ड जो आपके पास में पी ऑर्बिटल है, हाफ फिल्ड जो पी ऑर्बिटल है हमारे पास में, वो क्या होता है, ज्यादा स्टेबल होता है, किससे, 2p4 वाले से। इसीलिए नाइट्रोजन से इलेक्ट्रॉन को रिमूव करने में हमें ज्यादा एनर्जी प्रोवाइड करनी पड़ेगी ऑक्सीजन के कंपैरिजन में, इसीलिए यहाँ पर क्या आई है, एक इरेगुलरिटी आई, और यहाँ पर भी स्टेबल इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फिगरेशन की वजह से ही क्या आई थी, इरेगुलरिटी आई थी, ठीक है। हमारे पास में बहुत जगह पे आपको पी ऑर्बिटल लिखा मिलेगा, पी सबशेल नहीं लिखा मिलेगा, ठीक है। तो यहाँ पर हमारे पास में रीजन आ गया। अब नेक्स्ट उन्होंने दे रखा है कि अगर हम टॉप टू बॉटम की बात करें, तो यानी जब हम नीचे की साइड चलते हैं किसी भी ग्रुप के अंदर, मतलब इस तरीके से चलते हैं पीरियोडिक टेबल के अंदर, तो जब हम टॉप टू बॉटम चलते हैं तो क्या होता है, हमारे पास में साइज इंक्रीज करता है एलिमेंट्स का, और साइज इंक्रीज करने की वजह से ही आयनाइजेशन एंथैल्पी क्या कर जाती है, डिक्रीज कर जाती है, क्योंकि जैसे जैसे साइज बढ़ेगा तो न्यूक्लियस से इलेक्ट्रॉन का जो डिस्टेंस है वो बढ़ता चला जाएगा आउटर मोस्ट इलेक्ट्रॉन का, और हम थोड़ी सी एनर्जी ही प्रोवाइड करेंगे तो वहां से इलेक्ट्रॉन रिमूव हो जाएगा। तो यहाँ पर क्या रीजन होता है, साइज का बढ़ना क्या रीजन होता है हमारे पास में, डिक्रीज ऑफ आयनाइजेशन एंथैल्पी का। आयनाइजेशन एंथैल्पी को हम आईई से रिप्रेजेंट करते हैं, तो ये होगी हमारी आयनाइजेशन एंथैल्पी।